हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल आइडियाज़ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर जो बंदर बांट था उसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी। सो आई होप सो आप सभी की एक्सरसाइज वेरी नीट एंड क्लीन कंप्लीट होगी। आज की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। सो ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नेक्स्ट है 9, कब आऊँ। कब आऊँ स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को मैंने एक्सप्लेन किया था। इस स्टोरी में क्या होता है, अवंती नाम का आदमी होता है यानी लड़का होता है, और उससे सेठ जो होता है वो ईर्ष्या करता है और वो कपड़े रंगने का काम करता है। कौन करता है, आदमी करता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 9 से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 80। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग आज की डेट डाल देंगे। आज की डेट डालने के बाद में आपको क्या करना है, चैप्टर की एक्सरसाइज वेरी नीट एंड क्लीन फिल करनी है। कौन छुपा है कहाँ, कौन छुपा है कहाँ। इसमें स्टूडेंट्स एक पहेली की तरह नाम दिए हुए हैं इन सब्जियों, इन पहेली में मतलब किसके नाम दिए हुए, वेजिटेबल्स के नेम छुपे हुए हैं। फर्स्ट पहले देखिए, अब भागो भी बारिश होने लगी, अब भागो भी बारिश होने लगी। स्टूडेंट, सारे शब्दों को आप एक दूसरे से ऐड कर दीजिए और देखिए इसमें कौन सी वेजिटेबल का नेम निकलता है। इसमें अब भागो भी, गोभी, देखिए गो और भी, गोभी शब्द का मिला तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, गोभी लिख देंगे। नेक्स्ट है, मामू लीला मौसी कहाँ गई, मामू लीला मौसी कहाँ गई, तो क्या होगा यहाँ पर, मूली। नेक्स्ट है, शीला के पास बैग नहीं है, शीला के पास बैग नहीं है। सारे शब्दों को ऐड करिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको वेजिटेबल्स के नेम इस स्टोरी में मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज नंबर 1। नेक्स्ट नंबर है, सही जोड़े मिलाइए। स्टूडेंट देखिए, जो वर्ड मीनिंग दी हुई है उसका अर्थ भी यहाँ क्लाउड्स में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो मैंने तो मैच कर दिया है, आपको क्या करना है, जो हमारा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उससे क्या करना है, आपको मैच करना है। प्रशंसा, तारीफ, ऊँची, बुलंद, बिल्कुल, कतई, ईर्ष्या, जलन, जरूर, आवश्यक। फिर से देखिए, प्रशंसा को आपको तारीफ से मैच है वो उसको मैच करना है, ऊंची को बुलंद से मैच करना है, और बिल्कुल को कतई से मैच करना है, और ईर्ष्या को जलन से मैच करना है, ज़रूर को आवश्यक से मैच करना है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपकी सेकंड नंबर एक्सरसाइज। आते हैं थर्ड नंबर पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, चित्रों को देखकर क्या, इन्हें देखकर तुम्हें इन मुहावरों या कहावतें याद आती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक दीपक दिया हुआ है और अंधेरा शब्द लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम देख करके इसके नीचे क्या करना है, मुहावरा या कहावत लिखनी है। जैसे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है अंधेरा और क्या बना हुआ, दीपक, तो हमारा फर्स्ट का बन जाएगा दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। गॉट इट एवरीवन। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ, जो भी देखिए नेक्स्ट में आपका कलाई में स्नैक है और आप मतलब इधर आस्तीन के अंदर से स्नैक है, तो आपको कहावत जो भी है वो लिखनी है। नेक्स्ट नंबर में एक गर्ल, 2 नंबर लिए हुए हैं और 1111 होता है, यहाँ 11 लिखा हुआ भी है, तो इसका भी मुहावरा कहावत जो भी है आपको फिल करनी है। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज। समझ समझदारी, रंगाई शब्द से बना है इसकी, इसी तरह और शब्द बनाओ, यानी रंग का रंगाई बना है तो साफ का क्या बनेगा, सफाई, चढ़ का चढ़ाई, बुन का बुनाई। स्टूडेंट इन सभी में ई शब्द का प्रयोग लगाना है, करना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है, यानी जो जिन शब्दों के नीचे लाइनिंग है, लाइन दी हुई है,
उन शब्दों का आपको यहाँ पर मतलब लिखना है, यानी उनका अर्थ लिखना है। तो देखिए, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, कतई के नीचे लाइन है तो कतई का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा का क्या अर्थ होता है? इरादा। मंसूबा का क्या अर्थ होता है? इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर का मतलब होता है निपुण या निपुणता, निपुणता। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज का अर्थ होता है बोली या स्वर। नेक्स्ट है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, तो आपको यहाँ क्या करना है? जलन फिल करना है। नेक्स्ट है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। खास का अर्थ होता है विशेष, खास का अर्थ होता है विशेष। वंस अगेन, कतई का अर्थ होता है बिल्कुल, मंसूबा का अर्थ होता है इरादा, हुनर का अर्थ होता है निपुणता, आवाज़ का अर्थ होता है स्वर या बोली, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, खास का अर्थ होता है विशेष। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 83 में कैसा लगा आफंती? आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो, उसके कपड़े, उसकी सकल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में। आगे जो आपकी आफंती पे एक स्टोरी दी हुई है, आपको उसको रीड करके अपने मन से यहाँ पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने हैं। जोड़ो, जोड़े और ढूंढे, जैसे दिन का दिन, मेला का मेला, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, डिफरेंट शब्द लिखने हैं, यानी शब्द वही होंगे, उनका अर्थ अलग होगा। सुत, सूत, जाति, जाति, कुल, कूल, मिल, मील, हरि, हरि, पीत, पित, मगर, मगर मक्ष, पति, पति। गॉट इट एवरीवन? इस तरह से आपको क्या करना है, अपोजिट यानी शब्द सेम होंगे बट उनका अर्थ दूसरी तरह से होगा। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ने एक्सरसाइज वेरी नीट एंड क्लीन कंप्लीट की होगी। अगर आपको एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।